इस समय शोर इसलिए मचा हुआ है, हमारे यहाँ पिछले 2 दिन से लाइट नहीं है स्टॉर्म के बाद से। ए, तुम लोग बैल पकड़ने जा रहे हो? तो तुम्हें कैसे पता कि वो रैबिट है? वो मार रहा है, सेम जैसे पहले कर रहा था। काट रहा है, मार रहा है, मार रहा है। तो एग्रेसिव भी तो हो सकता है, दो ही थोड़े ना रैबिट हो। तो चेक करना ना भाई, वहाँ जाके चेक करने, तुम डार्ट गन ले जा रहे हो। तो एग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि रैबिट है, एग्रेसिव तो कोई किसी भी वजह से हो सकता है। अच्छा, ये लोग डार्ट गन लेके गए थे क्योंकि उस बुल को रेबीज था और उसको पकड़ने के दौरान ये बहुत बुरी तरह घायल भी हो सकते हैं। आज भोपू रिलीज हो रही है। भोपू यहाँ पे आई थी क्योंकि इसके थनों में समस्या थी। यहाँ पे आके इसने एक बच्चे को जन्म दिया, लक्ष्मी। अब लक्ष्मी को क्योंकि इसका दूध नहीं मिला तो नहीं बच पाई। भोपू पूरी तरह रिकवर हो गई, पर इसको रिलीज करने में एक समस्या ये थी कि भाई ये जब सड़क पे जाएगी तो दोबारा प्रेग्नेंट होगी और फिर इसका बच्चा होगा और फिर वो मरेगा, क्योंकि इसके थनों में दूध तो है नहीं। तो हमने इसकी पालमपुर में सर्जरी कराई, अब ये पूरी तरह रिकवर हो गई है उस सर्जरी से और अब हम इसको रिलीज कर रहे हैं। आज के बाद भोपू कभी गर्भवती नहीं होगी। भोपू की लाइफ तो सड़क पर नहीं बेटर होगी, पर हाँ ये है कि भाई इसका बारी बारी बच्चा नहीं पैदा होगा तो ना तो वो सफ़र करेगा और ना बारी बारी ये, क्योंकि भाई एक माँ जब एक बच्चे को होती है तो उस दुख से तो किसी भी आप दुख को नहीं कंपेयर कर सकते। एक और एनिमल जो आज रिलीज हो रहा है वो है बेताल। बेताल यहाँ पे मैगेट मून के साथ आया था, इसको विचित्र शर्मा जी ने भेजा था। शाइनी ने ही ज़्यादातर बेताल के साथ काम किया, मुझे तो इसके साथ एक इनकमिंग वीडियो करने का भी मौका नहीं मिला। बेताल तो उछल कूद करता रहता है और इज वेरी फ्रेंडली। जब मैगेट मून के साथ ही आया था तो मुझे लगता है कि इसको खुद भी ये रियलाइजेशन नहीं थी कि इसको लगी है या मैगेट मून है, क्योंकि एकदम यू नो फुल ऑन एनर्जेटिक था। हमारे को जगह बनाने के लिए इसको रिलीज जल्दी करना पड़ रहा है, पर यह है कि विचित्र शर्मा जी इसका सड़क पे ध्यान रख लेंगे, जब हमारे पास जगह बनेगी तो ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम इसकी सर्जरी कर देंगे। आजकल ना क्या हो रहा है रेगुलरली यहाँ हमारे एनिमल एरिया में कि चाय टाइम होता है तो डॉक्टर हिमांशु अपने आप को ऐसे क्वारंटीन कर लेते हैं सर्जरी रूम के अंदर और ये बंद रहता है, कोई अंदर नहीं जा सकता। और सिर्फ जब ये चाहिए, देखो डॉक्टर गुलशन क्लैप कर रहे थे अभी, ये देखो ये क्वारंटीन किया हुआ है इन्होंने अपने आप को और हमें अलाउड ही नहीं है भाई साहब अंदर जाना। मैं एनिमल एरिया में आपको चंद्रकांत से मिलवाने आया हूँ, पर यहाँ पे मुझे घेर लिया गया। ये बेटी जी टोफू, अब चाचू भी इन्हीं के दल में शामिल हो गया, ये सब मेरे पीछे हो लिए। गुड जॉब टोफू, मैं आपको मिलवाने तो यहाँ चंद्रकांत से आया हूँ। चंद्रकांत एक म्यूल है और इसको आर्थराइटिस है। ये तो बहुत सुंदर है यूनिकॉर्न जैसा, बट कितना पतला है यार, मैल नरिश्ड है। Hey, can I touch you? नहीं। हॉर्स को चंडीगढ़ से संजय जी ने यहाँ पे भेजा है। पहले तो ये उनको हॉर्स स्ट्रीट पे मिला, बहुत ही ज्यादा इसकी हालत खराब थी, इंजरीज हैं और बहुत ही ज्यादा वीक है ये, पैर में भी प्रॉब्लम्स हैं इसके। तो उन्होंने हमारे फ्रेंड्स ऑफ पीपल फॉर्म ग्रुप में इसके बारे में अपडेट किया था एंड वहाँ से हमने इसको लेने का डिसीजन लिया, लेकिन जो इसको लाने के एक्सपेंसेस थे वो दिल्ली से आरती मैम ने सारा कुछ पे किया है चंडीगढ़ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो यहीं पे ये अडॉप्ट हो चुका है तो ये यहीं रहेगा। ओह, तो इसका मतलब ये हमारा रेजिडेंट एनिमल बन गया है। कुछ दिन पहले हमारे पास एक रेस्क्यू चिकन आया था जो अनुपमा जी ने खनवाड़ी से रेस्क्यू किया था एक चिकन शॉप से, और इसका नाम हमने किटकिट रखा है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम किटकिट को ले जा रहे हैं जहाँ हमारे 3 ऑलरेडी जो रेजिडेंट चिकन्स हैं अमरप्रीत, अकबर, एंथनी, उनके पास इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि ये इंट्रोड्यूस हो जाए और साथ में रहें, है ना, है ना। परीक्षा की घड़ी, क्या अमरप्रीत अकबर एंथनी की किटकिट के साथ दोस्ती हो पाएगी या नहीं, ये हो रही है इनकी इंट्रोडक्शन। ये देखो, अनफॉर्चुनेटली किटकिट की लड़ाई शुरू हो गई जाते ही अंदर बाकियों के साथ, तो इसलिए आज का सेशन तो हमें यहीं पे बंद करना पड़ेगा। बट हम ट्राई करेंगे कि हम रोज़ रोज़ किटकिट को लाते रहें यहाँ पे और ट्राई करते रहें, कभी ना कभी तो ये दोस्त बनेंगे, नहीं बने तो फिर हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हमारा एनिमल एरिया तो जू जैसा दिखता ही है, अब क्लिनिक भी कुछ ऐसा ही हो गया है। ये रही समर, हाय समर, इसकी अभी एम्पुटेशन सर्जरी होनी है। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। किटकिट से मैंने आपको पहले भी मिलवाया था, इसका नाम हमने बाद में रखा है, अभी अमर अकबर एंथनी के साथ इंटीग्रेट हुआ नहीं है। एक और क्यूट किटन है जिससे मैं आपको मिलवाता हूँ, ये आई है शाहपुर से, नितिन जी को अपने स्टोर रूम में मिली थी। अभी इसका नाम हमने रखा नहीं है, आप लोग कुछ सजेस्ट करेंगे तो बताइएगा। समर की स्टोरी ये है कि हमारे वॉलेंटियर है मन्नत जी नूरपुर में, उनको ये मिली तो उन्होंने इसकी स्प्लिंटिंग करवा दी थी, पर शायद ये अपना स्प्लिंट ना टोटली चबा गई।
फिर वो इसको यहाँ लेके आए हैं, इसकी एम्पिटेशन करनी है। साहिल अब समर को ना वे करेगा। वे करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इसको भी हमने डायज़ेपैम और ज़ाइलाज़ीन देना है एनेस्थीसिया के लिए, उसकी डोजेज जो है इसके वज़न पे डिपेंड करेगी। और बात सिर्फ एनेस्थीसिया की नहीं है, बात है कि कोई भी मेडिसिन जो देनी है उसकी डोजेज वज़न पे डिपेंड करती है। होता क्या है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ऑनलाइन कंसल्ट करके मेडिसिन तो निकाल लेते हैं कि आइवरमेक्टिन देनी है, ये देना है, वो देना है, पर कितना देना है वो उनको नहीं पता लगता और वो वज़न पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास कोई वेट नहीं है, आपको ऑनलाइन मेडिसिन का पता लग भी रहा है, तो भी डोजेज चार्ट भी कंसल्ट करिए कि पर केजी कितने एमजी या कितने एमएल पेन किलर या जो भी आपने देना है वो कितना देना है। अब जो सेकंड स्टेप है वो इसको शेव किया जा रहा है ताकि इसको एनेस्थीसिया दिया जा सके। मुझे लगता है जानवरों की मेडिसिन और बच्चों की मेडिसिन एडल्ट ह्यूमन मेडिसिन से कहीं ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये लोग अपने सिम्टम नहीं डिस्क्राइब कर पाते, और इसीलिए जो बेड साइड मैनर्स हैं वो भी इनके साथ मुझे लगता है और ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। दादा इसको ना पूप कराने में हेल्प कर रही है। एक्चुअली क्या होता है, इनकी मदर हो तो वो तो इन्हें लिक करा करा के हेल्प करती है। राधा इज यूजिंग अ कॉटन, थैंक गॉड। मैं आपको अपना ओटीपी दिखा देता हूँ। ये हमारा ओटी है, इन लोगों ने एसी पहले ही ऑन कर दिया ताकि रूम ठंडा रहे सर्जरी के दौरान, और सब कुछ यहाँ पे टेबल वगैरह प्रेप्ड है। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ आते ही धीरे की बोलना शुरू कर देता हूँ। खैर टेंशन जो है, जब ये सर्जरी होगी वो शूट करेगा, मुझे तो अब वापस मीडिया ऑफिस जाना है। ये मौसमी है, मौसमी के पेट पे काफ़ी बड़ी चोट लगी हुई है, ये मैगेट वुंड था जब ये आई थी। कल जो गाय हमारे पास गगल एयरपोर्ट के सामने से आई थी, जिसको पेट के नीचे बहुत बड़ा घाव था, अभी उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। इसमें हमने जो भी डेब्रिस था वो निकाल दिया है एनएस की मदद से, और अभी हमने जो बैंडेज होती है उसको बेटाडीन में डिप करके और पूरा जो भी इतनी कैविटी थी उसको फ्री कर दिया, और हमने ऑइंटमेंट लगा दी है वहाँ से ताकि कोई मक्खी ना बैठे, और अभी हम इसको कपड़ा बांधेंगे ताकि मक्खी वैसे भी ना बैठे, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोटेक्शन भी रहे इसको ताकि घाव इन्फेक्टेड भी ना होता था। आप लोगों को ये तो पता है कि जितनी भी गाय हमारे पास रेस्क्यू होके आती हैं वो सारी अबैंडेंड जो होती है वो कभी ना कभी किसी ना किसी ज़माने में किसी ने पाली होगी और उसके बाद छोड़ा होगा। इसका मुंह इतना बड़ा है ना, वाओ सो क्यूट। तो रेबीज का कोई इलाज तो है नहीं, हमें अंततः उसको यूथनाइज करना पड़ा, मतलब एक पेनलेस डेथ देनी पड़ी, क्योंकि देखिए रेबीज की जो नेचुरल मौत है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। पर ये बैल सड़क पे आते क्यों हैं? अब आप मुझे बताइए, अभी पीटा ने अमूल को बोला कि भैया तुम लोग प्लांट बेस्ड मिल्क बनाओ, और अगर आप उस पोस्ट पे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स पढ़े ना जो न्यूज़ है, तो आपको पता लग गया कि कितनी भ्रांतियां डेयरी इंडस्ट्री ने फैला रखी हैं कि भाई आपको तो दूध से प्रोटीन चाहिए, उसके बिना आप जियोगे कैसे। मैं मानता हूँ कि दूध कम्प्लीट मील है, पर जब हमारे पास और वैसे कम्प्लीट मील है तो हमें दूध की क्या आवश्यकता है यार। और कई लोग कह रहे हैं कि फिर तो गौ पालन बंद हो जाएगा। यार इसे थोड़ा गौ पालन कहते हैं, ये तो व्यवसाय है ना भाई। आपने गाय से दूध लिया, बूढ़ी गाय सड़क पे, भैंस से दूध लिया, भैंस को आपने कटने भेज दिया, बैल पैदा हुआ उसको सड़क पे छोड़ दिया मरने के लिए, ये गौ पालन तो नहीं हुआ। एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारे जो चार पपीज थे द बीटल्स, उनमें से तीन ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुके हैं और करण आए हैं आज दिल्ली से उनको लेने के लिए। तो जॉन और पॉल जो है वो गाजियाबाद जा रहे हैं श्री जी के पास, और रिंगो जा रहे हैं करण जी के साथ। ऑल्सो सिद्धार्थ और करण हमारे फार्म के लिए डोनेशन भी लेके आए। हमारे यहाँ पे हल्दी नहीं मिल रही थी, सो ही हैज गिवन दिस डोनेशन टू द फार्म की वो 30 किलो हल्दी हमारे लिए लेके आए। पिछले अपडेट में मैंने आपको इस डॉग के बारे में बताया था कि इसका सड़क दुर्घटना में पैर कट गया था, तो जो इसके पपीज थे उसका तो किसी ने ध्यान रख लिया, ये सड़क पे मारी मारी फिरती रही। तो जब ये हमारे यहाँ खाना खा नहीं रही थी, हमने इसको फ्लूइड्स पे रखा कि भाई ये एक बारी थोड़ा ठीक होगी तो इसकी सर्जरी हो सकती है, लेकिन ये फिर दो दिन बाद ही ख़त्म हो गई थी। बुलेट प्रूफ को भी जब हमने सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया दिया तो वो कोलैप्स कर गया, क्योंकि शायद गोली की वजह से जो उसकी नाक में डैमेज थी वो उससे ठीक से सांस नहीं ले पाया। ऑटम की सैड स्टोरी मैंने आपको बताई थी ना कि ऑटम को हमने रिलीज करा था, वो बेचारी फार्म के बाहर घूम रही थी। उसकी किस्मत देखी ऐसी बदली कि स्वाति जी जो कनाडा रहती हैं वो उसको अडॉप्ट कर रही हैं, तो हम ऑटम को फार्म में ले आए हैं, और जब तक अडॉप्ट नहीं होगी ये यहीं पे रहेगी। गिरगिट जो है आज इसकी एम्पुटेशन होनी है, ये दो महीने से आया हुआ है, इसकी पूंछ की जो चोट है वो ठीक ही नहीं होके दे रही,
अब समस्या ये है, जो टाइगर श्रॉफ था वो भी ऐसी इंजरी के लिए आया था, हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते रहे, अल्टीमेटली वी लॉस्ट हिम, हम वही गलती रिपीट नहीं करना चाहते। साहिल और डॉक्टर हिमांशु ने मुझे अभी बताया कि एम्पुटेशन के बाद ये 2 हफ्ते में रिकवर हो जाएगा। एक और जो नया रेस्क्यू यहाँ पे आया है, ये है तिकड़म। तिकड़म यहाँ पे इसलिए आया कि भाई किसी को गुस्सा चढ़ा इस पे और उसने इसको शायद दरात मार दी। आज बेल को रिलीज किया जा रहा है। बेल रेत से हमारे पास आई थी, अगर आपको याद हो 4 हफ्ते हो गए इसे आए हुए, और इसको वेजाइनल और रेक्टल प्रोलैप्स था। प्रोलैप्स अंदर हो चुका था लेकिन काफ़ी ज़्यादा पस था इसको ना वेजाइनल एरिया में, तो वो पस की वजह से इसका ट्रीटमेंट इतना दिन तक चला है अभी, एंड फाइनली जब कम्प्लीटली वो पस जा चुका है तो हम इसे रिलीज कर रहे हैं वापस। तो हम इसको वापस रेत में ही रिलीज कर रहे हैं। तो अभी अभी हमारे पास एक डॉग आया, इसका हम पहले ट्रीट ऑन स्ट्रीट करने वाले थे लेकिन ये बहुत अग्रेसिव है, तो इसका आई थिंक एक डॉग फाइट में इसके कान के पास एक बहुत बड़ा डॉग बाइट है, तो उसको बार बार पकड़ने में बहुत मुश्किल होने वाली थी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसको यहाँ पे लेके आ जाओ और इसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर ही करें। अब इस बेचारे का मुंह इतना सूजा हुआ है डॉग बाइट की वजह से। खैर, ये व्लॉग रवीना ने इसलिए बनाया क्योंकि शाइनी उस समय ऑफ थी और मेरा तो कुछ समय से मूड ऑफ चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, कई बार कुछ कठिन फैसले लेने होते हैं ना तो मन में एक अंतर्द्वंद सा रहता है, 2 पक्ष हो जाते हैं, एक पक्ष तो वो है जो आप हैं और एक वो है जो इंसान आप बनना चाहते हैं, आपका एक बेहतर वर्जन। पर भावावेश में जब ये वाला पक्ष फैसला लेता है ना जैसे आप हैं, तो फिर आपकी आत्मा आपको कचोटती रहती है। और ऐसा इसलिए होता है कि भाई हमारा माइंड इतना स्ट्रांग नहीं होता, जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ पर बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं कर पाता, या कई बार रेगुलरली करता हूँ और मतलब लाइफ सही चल रही होती है तो जैसे दवाई लेके आप ठीक चल रहे होते हैं तो दवाई लेना छोड़ देते हैं, मेरे से मेडिटेशन छूट जाती है। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है लाइफ में। अब समस्या एक और है कि जैसे मुझे कोई कहे ना कि 100 किलो वज़न उठा लो तो मुझे पता है कि मैं नहीं उठा सकता, मैं कह दूंगा कि भैया मैंने तो मसल बना ही नहीं, मैंने एक्सरसाइज करी नहीं, जिम में गया नहीं। पर मेंटल का क्या है कि वो दिखता नहीं, तो जस्ट बिकॉज आप 4 किताब पढ़ लेते हैं आपके दिमाग में नॉलेज होती है, आपको लगता है कि आप उस नॉलेज को अप्लाई कर पाएंगे बिना मेहनत किए, जबकि नियमित मेडिटेशन करना ज़रूरी है और वो भी मुसीबत का समय आने से पहले, क्योंकि देखिए ना जड़ें जो हैं तूफ़ान से पहले उगी हों तो बेहतर है, तूफ़ान के दौरान आप जड़ें नहीं उगा सकते। तो खैर, अब जो भी मेरी ज़िंदगी में छोटा सा तूफ़ान चल रहा है वो थम जाएगा तो फिर मैं नियमित मेडिटेशन शुरू करूँगा। आई होप कि आप भी करें। थैंक यू, बाय।